आखिर है क्या रामायण, अगर पढ़ो तो आंसुओं पे काबू रखना। प्यारे मित्रों, एक छोटा सा वृतांत बताता हूं, इससे अनुमान लगा सकते हैं आपके रामायण जो घटित हुई है वो हमें क्या क्या सीख दिलाती है। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई, पूछा कौन है, मालूम पड़ा कि श्रुति कृति जी है, नीचे बुलाया गया। श्रुति कृति जी जो सबसे छोटी बहू है आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया, क्या नींद नहीं आ रही है तुम्हें, शत्रुघ्न कहां है। श्रुति कृति की आंखें भर आई, मां की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली मां उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ, कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़ आए, आधी रात ही पालकी तैयार हुई, आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी, मां चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहां मिले, अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है, उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। मां सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। मां उठे, चरणों में गिरे, मां आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुलवा लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न यहां कहां, यहां क्यों। शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी, बोले मां भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से बन चले गए, भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए, भैया भरत भी नंदीग्राम में है, क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं। माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखो क्या है ये राम कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है, यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां सीता ने भी सर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती की थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ो, प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने भी नहीं दिया।
मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी को गिरा देते हैं जमीन पर। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गए, लक्ष्मण जी मूर्छित है। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्या, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता, रही सूर्य उदय की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता, यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं, मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे, और शक्ति बाण मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति बाण तो राम जी को लगी है, मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून के बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति बाण राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाए, सूर्य उदित नहीं होगा, राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला, भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम त्याग समर्पण बलिदान से ही आया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्ण। पसंद आया हो तो प्रेम त्याग समर्थन की भावना अगर मन में हो तो इसे आगे जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज के युग में हमें ऐसे उदाहरण की जरूरत है। धन्यवाद।